नमस्कार। मैं फिर से मैंने बोला कि जब से ये सब आए हैं, कर्नाटका का राउंड टू रिजल्ट आया, और मैंने आपको कहा था कि मैं सोम से बुधवार बाहर था। एक्चुअली 3 दिन आई वॉज ऑन माई राजस्थान टूर, जयपुर एंड उदयपुर, टू डील विद टू सिट विद द कॉलेज पीपल। और उसके बीच में दो तीन न्यूज़ आई थी, एक यूपी वाली जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया, और दूसरा लोग हैरान है क्योंकि कर्नाटका में पहली बार ऐसा हुआ कि राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया, और जिन बच्चों ने भरा उन्हें सीट तो मिली नहीं, और कट ऑफ उससे नीचे है। तो बच्चे बड़े परेशान हैं, हैरान हैं, और हर तरह के फ़ोन किए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक कोर्ट ऑर्डर दिखा देता हूँ, ये वो कोर्ट ऑर्डर है जिसकी वजह से सीट नहीं मिली। और यही मैं सलाह दूंगा कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो प्रोसेस के बीच में चेंज हो रहा है, तो आई थिंक द कैंडिडेट्स कैन अप्रोच द कोर्ट कि भाई, और ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, और उन्होंने लॉजिक यही दिया होगा। तो हाँ, पहले इस मुद्दे पे आते हैं। तो जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन वाले लोग थे और उनको लगा कि भाई, जिन्होंने फ्रीज नहीं की थी, शायद फ्लोट किया था, या नया जो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन 1 2 3 4 आती है ना, जिन्होंने 2 या 3 सिलेक्ट किया था, बेसिकली उनको लगा कि भाई, राउंड टू में तो कुछ सोते हुए लोग जाग जाएंगे, और 620 630 नंबर वाले आके हमारे एम एस रामैया या कैम्पे गौड़ा या अम्बेडकर की सीट ले लेंगे। तो वो तुरंत कोर्ट चले गए जब जैसे वो रूल आए थे, कि वो रूल भी मतलब वो ऑप्शन भी 2 दिन के लिए थे, याद है आपको, मतलब अगस्त के एंड में, और तुरंत लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट से स्टे ले लिया। और इसकी वजह से जिन लोगों ने राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा था, उनको सीट अलोकेट की नहीं गई है। अब ये भी होना चाहिए कर्नाटका की गवर्नमेंट को, उन सबके 2,500 रुपये वापस भी भेजने चाहिए, क्योंकि आपने पैसा तो लिया, बकायदा सोचिए खोला गया और उन्हें सीट नहीं दी गई है, और 2,500 रुपये उन्होंने सबसे इकट्ठे कर लिए हैं। खैर, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए 2,500 रुपये बड़ा मुद्दा शायद नहीं होगा। मुद्दा ये है कि देखिए, ऐसे होता है। तो कोई भी काउंसलिंग जो बीच में चेंज की जा रही है, मैं तो कहूँगा कि यूपी के लोगों को सिर्फ ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज किया गया अचानक से, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रोशर आया था उसमें ऑफलाइन लिखा हुआ था, और मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि ऑफलाइन में हमेशा ना लोकल बंदे के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए, यूपी का राउंड हो रहा है लखनऊ में, या राजस्थान का हो रहा है जयपुर में, अब कोई जम्मू कश्मीर में रहने वाला है, बंगाल में रहने वाला है, आंध्रा में रहने वाला है, वो ऑफलाइन राउंड में आलस खाता है आने तक। लेकिन अब ऑनलाइन राउंड है तो अपने घर बैठे बैठे कोई भी कंप्यूटर से चॉइस फिलिंग कर देगा, और तभी आएगा ना जब उसको सीट मिलेगी। बट बिना सीट की एश्योरेंस करे ऑफलाइन में, घर से उठ के इतनी दूर जाना, फ्लाइटें पकड़ के जाना, बच्चा जाता है साथ में, दो पेरेंट आते हैं, आना जाना, होटल, कम से कम 50,000 खर्चा हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हम जाए ना जाए, पर अब यूपी ने भी बीच में रूल चेंज कर दिया है। तो जो भी आप में से अप्रोच करना चाहता है, वो तुरंत इमिजिएटली पटिशन लगाइए। 20-25, देखिए कर्नाटका में अचानक से लोग पहुंच गए, और कर्नाटका में लोगों ने लगा दिया कि भाई, हमें कशीर दें कि ना किया जाए इनको, राउंड टू वालों को सीट उनको नहीं मिली है। तो जो भी हमको लगता है कि काउंसलिंग के बीच में रूल चेंज किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, जैसे यूपी नहीं करा अचानक से, या कोई भी ऐसा कर रहा है कि पहले कुछ और प्लान था, अब कुछ और चेंज कर दिया गया, आई थिंक वी ऑल हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन अवर फेवर। ओके, तो एनीवे, ये वो मैं ऑर्डर था जो आपके स्क्रीन पे मैंने तब से लगा रखा है, चाहे खुद ही देख लीजिए। और इसी ऑर्डर की वजह से ही वो सीट राउंड टू के बच्चों का लोकेट नहीं की गई है। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। और इसी तरह से सटीक जानकारी क्लाइंट्स को मिले, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब इज़ नॉट अवर बिजनेस। तो आप चाहते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें सब हमें बता देते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाने का समय तभी निकाल पाता हूँ, क्योंकि तो उसे प्रॉपर बैठना पड़ता है। पर जो भी हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने राउंड टू में भरा था और जिन्हें नहीं मिला, उसे उन्हीं दिन एक व्हाट्सएप मैसेज से ये सारी ऑर्डर भेज दिया गया था। ये ऑर्डर है आप सब जनता के लिए, और साथ में ये भी है कि इस तरह से आपको लगता है कि कोई भी स्टेट काउंसलिंग या एमसीसी मनमानी कर रहा है या एनएमसी मनमानी कर रहा है, तो वी कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट एंड गेट अ ऑर्डर। लॉजिक होता है जी, इन लोगों ने सेम लॉजिक दिया जो राउंड वन वाले थे। तो इस तरह यूपी वाले भी कह सकते हैं, भैया आप ऑनलाइन क्यों कर रहे हो, ऑफलाइन ही चलने दो, बस ऑनलाइन में हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से कोई भी ऐसी जगह है जो बीच में चेंज किया जा रहा है रूल को, जो हिस्टोरिक रूल को चेंज किया जा रहा है, तो आई थिंक एनीबडी कैन ऑब्जेक्ट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।